नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा महानगर के विकास के मुद्दों के प्रति जन प्रतिनिधियों के द्वारा बरती गई उदासीनता को समाप्त करवा उन्हें उनके दायित्व का आभास करवा सकने के लिए जागो मोहन प्यारे अभियान सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा को शुरू करना पड़ रहा है। मोहन ब्रज भूमि के लिए कोई नया नाम नहीं है, हम सभी चेतन और चेतन मन से उनका सम्मान करते हैं, पूज्य मानते हैं। हमारा विश्वास है कि जब मोहन जागते हैं तो तमाम नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर जन प्रतिनिधि भी अपने दायित्व के प्रति जागृत हो जाए तो जनता की समस्याओं खुद ब खुद कम हो जाएंगी। नौकरशाही के द्वारा विकास के कार्यों से संबंधित फाइलें लाल फीतों से बाहर आ जाएंगी। मोहन प्यारे अभियान के माध्यम से सिविल एयरपोर्ट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट को तेजी के साथ अमल करवाने के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाए जाने की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। हवाई जहाजों से वायु प्रदूषण नहीं, ताजमहल के प्रदूषण से सुरक्षा के नाम पर यह सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। राज्य सरकार इस बात में पार्टी है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अब तक अपने एडवोकेट को इस मामले में तारीख लगवाने को प्रयास करने को नहीं कहा गया। 9 विधायक और 1 MLC यानी 10 में से एक भी अगर सक्रिय हो जाए तो यह मामला स्वतः ही निस्तारित हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना ही होगा कि एयर टर्बाइन फ्यूल का इस्तेमाल हवाई जहाज ऑपरेशन में होता है, जिसे किसी प्रकार का उस किस्म का वायु प्रदूषण नहीं होता जो कि ताजमहल को क्षति पहुंचाने वाला हो। यात्री हवाई जहाज बादलों से भी ऊपर उड़ते हैं। वैसे भी हवाई जहाज वायुमंडल की निचली परत में नहीं उड़ता, टेक ऑफ करते ही बादलों से भी अधिक ऊंचे एलिवेशन पर होता है, जबकि ताज ट्रेपेजियम ड्रोन ETZ के अध्ययन द्वारा 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला बादल नहीं है, समुद्र तल से केवल 350 मीटर की ऊंचाई तक की वायुमंडल परत पर ही ETZ की गतिविधियों में शामिल है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।